वहां से जाना चाहेंगे। इनफैक्ट मैं आपका इंस्टा प्रोफाइल देख रही थी, मैंने एक वीडियो देखा, बहुत ही अडोरेबल लगा आपकी और आपकी बेटी का। आपने उन्हें रिव्यू दिया था और वो इतनी जल्दी जल्दी उन्होंने वो तीनों सॉल्व कर लिया, और वो वीडियो पे इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ही टैलेंटेड। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उन्होंने आपको सिखाने की कोशिश किया नहीं, क्या आपको आता है? नहीं, कसम से नहीं आता है, कभी नहीं आता है, ठीक है। और मैं अपनी बेटी को प्रणाम करता हूँ, अपने देश दुनिया की हर बेटी को प्रणाम करता हूँ। कसम से आपको दिमाग ऐसे ईश्वर दे, क्योंकि क्योंकि बेटियां हमारी देश की वो ताकत है, जो अगर थोड़ी सी भी, तो एक फादर होने के नाते कोई बेटी जिसमें एक पिता का सपना मैं पूरी जिंदगी ये रूबिक्स ही नहीं कर पाया, इसको बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन वो नहीं। और वो करे पापा आइए, अब उसने क्लिक 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 3 मिनट में बातचीत करते हुए उसने 3-3 बना डाले। और अभी 400 ये जेबीएन में पढ़ती है, तो उसमें वो उसकी जो टीचर रूबिक्स सिखाती है, तो 400 बच्चों के साथ में अभी 3 दिन पहले उसकी मम्मी ने वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 400 बच्चों के बीच उस कॉम्पिटिशन को ऑनलाइन ही करवाया। तो मुझे अच्छा ये लगता है कि माँ बाप अपने बच्चों को करवाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो माँ बाप सौभाग्यशाली होते हैं कि उनके बच्चे भी कुछ करना चाहते हैं। तो आई एम लकीस्ट कि कम से कम बेटी जो है कुछ करना चाहती है। और वो बिल्कुल जब बैठते हैं क्लास में, तो कभी कभी पापा आपको ये मालूम है, नहीं पापा आपको ये मालूम है, तो मैं बिल्कुल बच्चा बन के उनकी बात सुनता हूँ कि सच में जो आज के बच्चों को मालूम है वो कल के बूढ़ों को पता नहीं है। तो इसलिए इसलिए मैं बच्चों के साथ बच्चा बन के रहता हूँ। और गॉड ब्लेस ऑल किड्स जो हमारे देश दुनिया के, खूब ऐसे पढ़ो करो आगे बढ़ो। आई एंजॉयड अ लॉट, मुझे बहुत मजा आया।